अयोध्या में जहां एक तरफ 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या से 27 नवंबर को राम नाम का संकल्प लेकर चली वाटर वुमन शिप्रा की राम जानकी वन गमन पदयात्रा बुधवार को नागपुर पहुंची। महाराष्ट्र में प्रवेश के साथ ही उन्होंने सिद्ध स्थान रामटेक पर साधना की, जहाँ राम जानकी जी अपने वनवास के दिनों में रह रहे थे। भारत में इस यात्रा को सरयू से सागर के नाम से भी जाना जा रहा है। शिप्रा पाठक राम जानकी वन गमन मार्ग पर जगह जगह राम जानकी के अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य करी है। उनका जगह जगह राम भक्त आदर सत्कार कर रहे हैं। ऐसी श्रृंखला में आज नागपुर में भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान शिप्रा पाठक ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए महाराष्ट्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि यही वह धरती है जहाँ भगवान राम को ऋषि अगस्त द्वारा ब्रह्मास्त्र देकर रावण का अंत सुनिश्चित हुआ था। भगवान राम जानकी के वन गमन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि माता जानकी के चरित्र को हमारी मातृशक्ति को अपना आदर्श बनाना चाहिए, जिससे हम हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने लिए अनुकूलता समाहित कर सके। उन्होंने कहा कि उनके संस्था पंच तत्व के माध्यम से देश में अब तक लगभग 12 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। राम भक्तों की सहायता से राम जानकी पथ पर भी राम जानकी वाटिका बनाएंगे। शिप्रा की पदयात्रा नागपुर से नासिक होते हुए कर्नाटक होकर तमिलनाडु रामेश्वरम पहुंचेगी। रास्ते में पड़ने वाली मुख्य नदियों का जल एकत्र कर रामेश्वरम में महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। शिप्रा ने कहा कि आज के भारत को हम राममय भारत कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1700 किलोमीटर की पदयात्रा में भगवान राम के प्रति जबरदस्त उत्साह है। यह यात्रा 4000 किलोमीटर की है। प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर यात्रा की जाती है। अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की यह पदयात्रा है, जो श्री राम जानकी वनगमन की पदयात्रा है। पूरा वातावरण ही आप देख रही हैं, राममय हो गया है। प्रभु राम भव्यता से अपने स्थल पर बैठ रहे हैं। ये हर भारतवासी के लिए गौरवशाली क्षण है। और जैसा कि आपने कहा कि यात्रा को कैसा सानिध्य मिल रहा है, तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आज पहली बार मिली हूँ। लेकिन राम के नाम पर हर भारतवासी एकजुट है, ये संदेश हमने भारत को और विश्व को अब दे दिया है। ये मेरी पहली पदयात्रा नहीं है, इसके पहले माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पदयात्रा में चुकी हूँ। और भी 3-4 नदियों की यात्राएं हुई हैं। उन यात्राओं का संदेश यही है कि सबसे पहले तो हम सबके जीवन का आधार जल संरक्षित हो। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।